हेलो एवरीवन। सो ईएसआईसी यूडीएस का एग्ज़ाम हमारा 2 से 3 दिन के अंदर है। सो इसमें हम बाकी तीनों सेक्शन तो कर पा रहे हैं, बट जीएसए का एक सेक्शन है जिसमें थोड़ा सा कमी रह रही है। तो मैंने कुछ रिविजन्स वगैरह करी हैं एंड अभी टेस्ट करते हैं, ट्राई करते हैं कि कैसे बना है। एंड सिर्फ और सिर्फ जीएस को ही हम करके अटेम्प्ट करेंगे। तो इसमें आप साथ में दे सकते हैं इस टेस्ट को, मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा एंड देन आखिरी में हम आंसर्स वगैरह रिव्यू करेंगे। सो आप चाहे तो एक बुक वगैरह लेके बैठ सकते हैं, उस पर अपने मार्क कर सकते हैं आंसर्स वगैरह। सो स्टार्ट करते हैं। ये प्रैक्टिस मॉक का एग्ज़ाम है एंड प्रीलिम्स नंबर 10 है। सो लाइव आपको करने को मिलेगा। अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है तो और भी बेटर है, आप कर सकते हैं यहाँ से। साथ में मैं दिखा दूँगा आपको क्वेश्चंस के साथ है। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। सो बैंकिंग का सीज़न आने वाला है। जून, जुलाई, अगस्त, सेप्टेम्बर में हमें काफ़ी सारे बैंकिंग एग्ज़ाम देखने को मिलेंगे, जैसे कि SBI, IBPS एंड RRB के। तो अगर आप अन अकेडमी की सब्सक्रिप्शन लेने की सोच रहे हैं तो 14 मार्च, 15 और 16 मार्च तक आप अन अकेडमी की सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। उसमें 20% ऑफ मिलेगा। आप कोड यूज़ कर सकते हैं DeepakB2022। जनरली आपको अन अकेडमी की सब्सक्रिप्शन पे 10% ऑफ मिलता है, बट अभी 3 दिन के इन्होंने कर रखा है कि आप 20% ऑफ तक ले सकते हैं। तो अगर आप कभी भी सोच रहे हैं कि अन अकेडमी की सब्सक्रिप्शन आपको लेनी है पूरे साल में, तो आई थिंक ये सबसे बेहतर टाइम है, बिकॉज आपको 20% ऑफ मिलेगा ऑन ऑल सब्सक्रिप्शंस। बैंकिंग के काफ़ी सारे अच्छे लेक्चर्स होते हैं, इसमें मॉक टेस्ट होते हैं, एनालिसिस वगैरह काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी सारे टीचर्स होते हैं। तो आप चाहे तो इस वाले को ले सकते हैं, और अगर आपको लेना है तो अगले महीने या उसके अगले महीने लेने से 10% मिलेगा, बट इस मोमेंट पे इन 3 दिनों के लिए 20% ऑफ कर रखा है। तो अगर आप चाहते हैं इसे लेना तो आप मेरा कोड DeepakB2022 यूज़ कर सकते हैं, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, तो स्टार्ट करते हैं। सीधे हम जीए पे चलते हैं।
जी समरी हो गई है 5 मिनट में। काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें आते नहीं थे, अटेम्प्ट मैंने 15 करे हैं, बट फिर भी सबमिट करते हैं, देखते हैं आपको आंसर दिखाता हूँ इसमें। बाकी अगर आप सेक्शन देखोगे तो काफ़ी सिंपल है, सिंप्लीफिकेशन वगैरह, रीजनिंग में ज़रूर कुछ कुछ एरियाज है जहाँ पे वर्क किया जा सकता है, कुछ पजल्स वगैरह होती हैं, वरना बाकी देखोगे तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन आते हैं। तो जीए एक बहुत ही बड़ा पार्ट लेने वाला है इस चीज़ में कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा प्रॉब्लम्स में। सबमिट करते हैं, तो इसको सबमिट करते हैं अब। सोल्यूशन से पहले देखते हैं कि कितना गलत थे कितने सही थे। तो 8 सही एंड 7 गलत हैं। सोल्यूशन दिखाते हैं, उसका है UPI 123 पे संजय मल्होत्रा यार, ठीक है। इसका मैंने 5000 किया था शायद, 10,000 इसका आंसर है। 16 पावर प्लांट्स लग रहे हैं राजस्थान में, तो नहीं वाला ठीक है। 66 ये भी ठीक है, ये वाला मैंने नहीं किया, छोड़ दिया। इसका 2007 आंसर है। आंसर है सी, अगर आपने 7 में अटेम्प्ट किया तो आप यहाँ पे देख सकते हो आंसर्स वगैरह, अपने मार्क कर सकते हो। नारी शक्ति ऑफ नॉर्थ ईस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, इसका स्पाइस एक्सचेंज इंडिया। छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है, कुछ रहोगे मॉन्यूमेंट्स, डेका कॉन, डेका से आप ऐसे भी लगा सकते हो, डेका मतलब 10 होता है एंड यूनिकॉर्न का मतलब होता है 1 बिलियन एंड डेका मतलब 10, तो 10 बिलियन। तो आप ये भी पढ़ सकते हो कि यूनिकॉर्न इंडिया में आप कितने हो गए, एंड थर्ड लार्जेस्ट है इंडिया पूरे वर्ल्ड में यूनिकॉर्न के मामलों में। धूला विलेज जो है डिस्ट्रिक्ट अमरेली में गुजरात है। कुछ कुछ होते हैं जो आप गेस वो कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि आप दो जो हैं उसमें कंफ्यूज हो तो आप कर सकते हो गेस वर्क। INS कुकरी, मेजोकॉन्टॉक, टीम कैशलेस, मास्टर कार्ड, ये वाला ठीक है। मुंबई ज़्यादातर जो बैंकिंग और इंश्योरेंस होते हैं मुंबई में होते हैं। इसका टीन पटेल, चेयरमैन ऑफ टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट। बकेट 3, बकेट 1 में ICICI, HDFC और बकेट 3 में SBI। Eiffel होम फाइनेंस $68 मिलियन लोन दिया गया EDB के द्वारा। इंडियन ऑयल, कोटेक, महिंद्रा, सोशल वर्कर है, देन इंटरनेशनल ट्रेड है ऑटर की। आप इसमें जो है आंसर्स मार्क कर सकते हो और वीडियो के एंड में बताना कि आपके कितने मार्क्स बने। ईशियन वन है, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये वाला मुझे पता था, मेरी बड़ी अमिताभ बच्चन का पता था, उसके हिसाब से मैंने कर लिया। आप इस तरह से भी कर सकते हो, अगर आपको एक ऑप्शन में से पता है तो आप उनमें से देख सकते हो। ये लास्ट क्वेश्चन है, क्रिएट एक्सेलरेटर प्रोग्राम बाय लिंक्डइन। सो ये पूरा मैंने आपको दिखाया, जो 25 क्वेश्चंस थे मैंने आपको शो करे, काफ़ी मेरा भी उतना अच्छा नहीं है,
12.5 ही बने हैं 50 में से, तो मतलब कि 8 सही हैं 7 गलत है। आप बताना आपके कितने सही है कितने गलत है। बाकी आप सारे जो है सारे पेपर से हैं सब में सिर्फ जी एस सी अटैम्प्ट करेंगे एंड एक आध में शायद रीजनिंग और मैथ्स भी कर लें, बट ज़्यादातर हमारे ये कोशिश रहेगी जी एस को अटैम्प्ट करें एंड उसी को अच्छा करने की कोशिश करेंगे। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, इस वीडियो के लिए इतना ही। चलो ओके, गुड बाय।